आईसीसी के पैसे कहीं तूफान ना आ जाए, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। उनका ये भड़काऊ बयान, उनका कहना यूसीसी लागू करने से पहले सोचना होगा सरकार को, मुस्लिमों का अपना शरीयत कानून है, ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। कहीं इस पैसे से तूफान ना आ जाए, भड़काऊ बयान फारूक अब्दुल्ला का क्या है सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। और इसको, इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पर बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। और इसको, इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पर बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया।